तो दोस्तों आज की वीडियो ना बड़ी मजेदार होने वाली है। आपका भाई एक ऐसा बफे लेके आया जिसमें भाई साहब 25 आइटम सिर्फ 160 रुपए में। भाई साहब चाइनीज भी मिलेगा, इंडियन भी मिलेगा, साउथ इंडियन भी मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। आ जाओ भाई साहब, और आगे नहीं बढ़ा जाता, मेरे पीछे आओ। चले आए, चलते हैं। तो दोस्तों आज की मंजिल पे हम अंदर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, यहाँ का एम्बियंस देख सकते हैं। आप फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए और ये खाने के मजे लीजिए। भाई साहब मजे, मैं तो खुशबू में भी ले रहा हूँ, ये चेक कीजिए जरा। जबरदस्त खुशबू है भाई साहब, अरोमा है टू गुड। और भाई साहब प्लेट लेते हैं, 160 रुपए देते हैं, अपनी थाली उठाते हैं, आइए और चखते हैं स्वाद। तो भाई साहब ये आ गई जी प्लेट। प्लेट वैसे ही है जैसे आम बफे पे होती है, लेकिन यहाँ पे खास बातें बहुत सारी हैं और खास खाना बहुत सारा है, क्योंकि 25 आइटम है। और सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि इसको सजाना कैसे है। भाई साहब इतनी सी प्लेट में 25 आइटम कहाँ से आएगी? तो मुझे लगता है कि दोबारा उठ के खाना पड़ेगा या फिर ऑनर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि बड़ी सी प्लेट दे दो। तो शुरुआत करते हैं जी। ये देखिए, सबसे पहले सैलेड सेक्शन आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद पिकल भी आएगा, पापड़ भी मिलेंगे। और भाई साहब ये चेक कीजिए जी, ये है जी मिक्स वेज रायता। और भाई साहब कर्ड की थिकनेस चेक कीजिए ज़रा, एकदम बढ़िया। और ऊपर से सबसे बढ़िया जिसके लिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ, तो भाई साहब वेज बफे आपने जलंधर में देख लिए बहुत सारे, और ये खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है जी इडली सांभर और वड़ा सांभर। तो साउथ इंडियन दोस्त का भी यहाँ पे ध्यान जो है वो रखा गया है एकदम से। तो हम अपना उठाते हैं जी, वड़ा लेते हैं। लीजिए जनाब, इडली जो है वो मैं थोड़ा मिस करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ तो आगे आपको दिखाते हैं जी। लीजिए जनाब, 160 रुपए वाले बफे में स्प्रिंग रोल देखे हैं कहीं आपने? ये देखिए जनाब, ये है जी स्प्रिंग रोल और एकदम से क्रिस्पी क्रंची। ये चेक कीजिए जी, ये सब दो पीस उठा लिए मैंने। आप चाहे 10 उठा लीजिएगा, लेकिन उतने ही उठाइएगा जितने आप खा सकते हैं। 10 तब उठाइएगा अगर 10 आप खा लेंगे। दो लीजिए, खा लीजिए, दोबारा ज़रूरत महसूस करते हो तो दोबारा आइए, फिर से खा लीजिए। बस खाने को वेस्ट मत कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए जनाब, ये आगे जी मशरूम चिली। और भाई साहब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये देखिए ज़रा, और प्यार से समझिए और खाना देखिए और मुँह में पानी लेके आइए, क्योंकि ऐसा खाना, ऐसी क्वालिटी का खाना आपको बफे में मिलना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। बहुत बढ़िया खाना है। और चेक कीजिए ज़रा जनाब, और भाई साहब रोस्टेड चाप, और वो भी सिर्फ 160 रुपीज़ में, अनलिमिटेड। भाई साहब पैसे हो गए यहीं पे वसूल। लीजिए जी, चाप की प्लेट कहीं लेने जाएंगे ना तो 150 रुपये का कम कहाँ मिलेगी, और इसको खाते ही पैसे पूरे, बाकी बोनस लॉटरी। कह रहे हैं ना फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो आपके लिए भी ऑफर है भाई साहब, 25 आइटम। आगे बढ़िया, अभी शुरुआत हुई है। तो इटालियन भी ध्यान रखा गया है, पास्ता ऊपर से आगे जी, फ्राइड राइस आगे जी। लीजिए जनाब, आगे आगे जी मंचूरियन ग्रेवी वाला, और भाई साहब बॉल शेक कर सकते हैं, ओए होए 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 जबरदस्त। और आगे आगे जी नूडल्स, और नूडल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे वो पतले वाले नूडल्स होते ना तो दिल ज़्यादा खुश हो जाता। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा एक अपसेट रहा मैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो मेन कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया जी पनीर बटर मसाला। भाई साहब लीजिए जी, भाई साहब अमेजिंग है। वेज बफे के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि पनीर की सब्ज़ी मिल जाए, तो भाई साहब वेज बंदे के लिए ना दिन बन जाता है। तो भाई साहब ये देखो ज़रा, नीचे आओ और ये देखो, आ गया याद, ये किसकी फेवरेट है कमेंट करना, नहीं पता चला तो ये मेरी ही फेवरेट है भाई साहब। किसी शादी का खाना हो या बफे का खाना हो, ये हमेशा मेरी पसंदीदा रहती है। तो मुझे तो लगता है कि ढाबे का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, बफे का खाना ना दाल मखनी के बिना अधूरा है। अगर आप भी ऐसा ही समझते हैं ना तो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट की वेट मैं ज़रूर करूँगा। तो आगे आ गई जी मिक्स वेज आ गई, उसके बाद जीरा राइस भी आ गए जी, आप देख सकते हैं। और भाई साहब चेक कीजिए ज़रा क्वालिटी, बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया, खिले खिले राइस हैं, थोड़े से ज़रूर लेता हूँ मैं। लीजिए जनाब, उसके आगे आ गया जी चना मसाला आ गया। चना मसाला की मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि ये गाढ़े होंगे, थोड़े मसाले वाले होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी ग्रेवी वाले हैं, तो शायद इसको मैं चने की सब्जी बोल सकता हूँ, चना मसाला नहीं कह सकता। तो आगे बढ़ते हैं जी, कड़ी पकौड़ा आ गया जी। तो भाई साहब ये बहुत पंजाबियों की फेवरेट रहती है कड़ी पकौड़ा, तो थोड़ी सी ज़रूर लेंगे कड़ी पकौड़ा हम। लीजिए जनाब, और आगे आ गई जी बाइट हमारे लिए, ये चेक कीजिए जी सांभर। तो वड़ा के साथ या इडली के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहते हैं, हमने लिया जी वड़ा के ऊपर सांभर। और भाई साहब अभी ना वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी मैंने आपको वो चीज़ें दिखानी है जो अभी आपने नहीं देखी, क्योंकि टेबल पे बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी 25 आइटम पूरी नहीं हुई है, चलते हैं टेबल पे दिखाता हूँ आपको, पूरी गिनवाऊंगा, मज़ा आएगा, टेबल पे चलते हैं, आइए चलते हैं। तो भाई साहब टेबल हमारा सज चुका है जी हमेशा की तरह, और ये देखिए जी बातें करते करते सर्विस से कीजिए ज़रा, एक नंबर। और ये आ गया जी हमारे लिए पिज़्ज़ा।
तो भाई साहब अगर मैं और खाना चाहूंगा तो सर आप जितना मर्जी खाना चाहते हो जितना मर्जी खाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, और 160 रुपए में, समझ रहे हैं, सिर्फ 160 रुपए में अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड वेज चाम, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल नहीं होंगे तो मोमोज होंगे, दोनों में से एक चीज तो आपको पक्का मिलने वाली है। और भाई साहब साउथ इंडियन अनलिमिटेड, और भाई साहब ये समझ रहे हैं, ये चेक कीजिए जरा, लच्छा परांठा, कसूरी मेथी मार के, और मिस्सी रोटी, बटर नान, सिंपल चपाती, सब मिलने वाला है। शुरुआत तो भाई साहब पिज्जा से करते हैं। थैंक यू सर, अगर और चाहिए होगा तो मैं जरूर लूंगा। और एक बात बढ़िया बताऊं, ये सभी सबसे बढ़िया लगी कि टेबल पे ही सर्व किया जाता है ताकि आपको गर्मा गर्म मिले, ये सबसे बढ़िया बात लगी मुझे। सही है, 150 के हिसाब से बोलूँ ना बफे में, तो ऐसा पिज़्ज़ा की क्वालिटी आपको 150 वाले बफे में कहीं नहीं मिलने वाली। 160 रुपये प्राइस है, पिज़्ज़ा भी लेने जाओगे तो भाई साहब 150-200 से कम कौन देगा यार, और अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खाते रहो, मज़े लो। और भाई साहब सबसे ज़्यादा क्रेविंग पता किस चीज़ की हो रही थी मुझे, सबसे ज़्यादा क्रेविंग मुझे हो रही थी वेज चाम की, जो अनलिमिटेड दी जा रही है। भाई साहब अगर इसकी क्वालिटी और टेस्ट बढ़िया लगा ना तो पैसा तो वसूल छोड़ो, बम्पर ऑफर मिल गई हमारे लिए। सही है यार, बहुत सही है, दोबारा खाऊंगा, रिफिल करूंगा, पर उतना ही पीस डालूंगा जितना मैं वेस्ट नहीं करूंगा। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, लच्छा परांठा लेते हैं, और क्वालिटी चेक कीजिए ज़रा, लेयर चेक कीजिए भाई साहब, फुल मार्क्स है, क्वालिटी और सर्विस को लेकर फुल मार्क्स है, क्योंकि लच्छा परांठा जो है वो भी गर्मा गर्म है। और ये लेते हैं जी, सबसे पहले मेरी पसंदीदा आ गई जी दाल मखनी, तो लीजिए जनाब, बड़ी सी बाइट दाल मखनी के साथ रेडी है जी, जलंधर का बेस्ट बफे मैं बोल सकता हूँ, M5 बाइट रेडी है, सुपर से ऊपर, दिल जीत लिया जनाब बाइट ने। और ये आ गई जी पनीर बटर मसाला के साथ, और ये बड़ी सी बाइट आ गई जी, उंगलियाँ चाट रहा हूँ भाई साहब, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, लाजवाब है, शानदार है, मज़ेदार है। फाइनली आपको एड्रेस बताऊँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, साउथ इंडियन है यहाँ पे भाई साहब, जो कि अनलिमिटेड है, ये आप चेक कर सकते हैं, ज़रा पास आइए। और ये देखिए जी वड़ा, और इसको कीजिए जी सांबर में डिप, और ये बाइट कीजिए जी रेडी। भाई साहब सांबर में हल्का सा खट्टापन, वही जितना होना चाहिए, कुल मिला के मोर देन वैल्यू फॉर मनी। तो भाई साहब मेरी फैमिली के लिए तीन खास वर्ड्स, लाजवाब, शानदार, मज़ेदार इस बफे के लिए, और हाईली रिकमेंडेड अगर आप जलंधर में हैं और 160-170 के अराउंड कुछ बफे ढूंढ रहे हैं, बढ़िया खाना ढूंढ रहे हैं और अनलिमिटेड ढूंढ रहे हैं, तो भाई साहब बेस्ट प्लेस है, M5 है। और अंदर ज़रा क्राउड चेक कीजिए ज़रा, इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि कितना क्राउड है यहाँ पे, शादी वाला माहौल है, लेकिन शादी में भी जाएंगे ना 500 रुपये सेकंड डालना पड़ेगा, यहाँ 160 देने और मज़े से खाना है। तो भाई साहब बेहतरीन खाना है, M5 है, इस बफे का नाम वेज बफे है, PPR मार्केट जलंधर में। और प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जैसे आप हमेशा देते हैं प्यार, ऐसे ही देते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार मिलता है तो बहुत सही लगता है। मिलते हैं कल नई वीडियो में, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।